अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप गाइस, दिस इज विदाउट सैन एंड वेलकम टू एसएफके व्लॉग्स। सो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मेरे साथ सर्वकार हैं और सर्वकार और मैं मिलके हम लोग एक व्हाइट कढ़ाई बनाने वाले हैं। हम व्हाइट कढ़ाई आज फूट रहे रेसिपी हम लोग बस जैसे बनाएंगे आप लोगों ने देखनी है और खा के हमने चेक कर पता चल जाएगा हमने कैसी बनाई है। ठीक है सो सर अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जो है व्हाइट कढ़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं और सर फिदा, देखते हैं हम कामयाब होते हैं नहीं, अगर कामयाब हो गए तो इसी का हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं किचन की तरफ, आ जाए चलते हैं किचन की तरफ। गाइस हम लोगों ने कैमरा सेट कर लिया है, ये हमारा किचन है, ये हमारे सरोकार है, ये हमारा स्पेशल किचन है और यहाँ पर जो आज हम आज फर्स्ट टाइम ऐसे होने वाला है कि एसएफके व्लॉग में वो क्या नाम है किचन वाला काम हो रहा है, फूड बन रहा है, दो शेफ मिल के जो है बेहतरीन व्हाइट कढ़ाई बनाएंगे, पता नहीं व्हाइट बनेगी डिस्क्रिप्शन में देख। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं स्टार्ट करते हैं इससे। सर कितना आएंगे सर, व्हाइट कढ़ाई बनानी है या पहले हैदराबाद है भाई साहब? तो चलते हैं इसे स्टार्ट करते हैं। इससे तो बिरयानी बन चुकी है भाई, ठीक है बिरयानी तैयार है वैसे इधर। तो हम पाकिस्तानी लोग हैं, एक चूल्हा चल रहा है तो हम तीली से काम जुगाड़ी काम तो सबसे पहले सर ने पहले इस गोश्त को हमने बॉयल पहले से ही कर लिया है, ठीक है, क्योंकि जितना स्मोक हुआ हुआ होता है गोश्त वो इतनी जल्दी ही बनता है, ठीक है। तो दुबई से देखना वीडियो को, दुबई शेफ बहुत एक्सपीरियंस है, भाभी बड़ी खुश होगी हमारी। वो क्रीम लाए हैं ये आप देख सकते हैं, ओरिजिनल क्रीम, ये वाइट कढ़ाई में सर जो है वो ऐड करेंगे। तो सर जो है वो गोश्त डाल चुके हैं इसमें, मैंने अभी क्या किया है गोश्त डाल दिया है, अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा सा ये हो जाए तो इसमें हमने कढ़ाई मसाला डालेंगे इसमें, माशाल्लाह हमारे यही डालेंगे। हमारे सर ऐसे चम्मच चला रहे हैं जैसे जो है 10 साल से यही काम कर रहे हो, काम करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि एक रेस्टोरेंट ओपन करके कुकिंग में सर फिदा को जो है वो जॉब दूँ। ये मसाले जो है सर ने रखे हुए हैं तो देखें बड़ी बड़ी मेहनत के साथ भाई, छोटा सा किचन है ये, ब्लॉगिंग चैनल है, दूसरा नहीं है, फूड वाला नहीं है ना। आज आज आपको एक रेसिपी बना के हम जो है एंजॉय करवा रहे हैं, अगर रेसिपी सब कुछ पसंद आए तो हम कोशिश करेंगे कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर हम किचन चैनल बना रहे। इसकी सफाई नहीं होती बाद में चलाया तो है नहीं। तो सर ये इसकी बस आप शुरू देखते रहें, अब डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे साथ में, ये हमने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है सही, ठीक है स्पून ले लेते हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये सर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, अरे वाह ठीक है, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, घर वाले धो देंगे। बड़ी प्यारी सी, और इसके बाद जो है सर हरी मिर्च लेंगे, यस हरी मिर्च। सो हरी मिर्ची आ गई हैं, इसे मैं ज़रा वॉश कर लेता हूँ, 1 2 3 4 ज़रा सा इसके ऊपर से ऐसे कट करते हैं, बल्कि इसको हटा देते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसको हटाते नहीं होते, तो बहुत गंदा लगता है सर सीधा की ट्रिक्स, और इसमें टक लगाना है बस खत्म, कम हुआ तो बाद में और ऐड कर लेंगे, पहले ही हमें इसमें डालना पड़ेगा, सही बाद में ऐड करने से मसाला कच्चा रहता है, नहीं अगर तेज हो गए तेज हो गया तो बस फिर सूसू करके खाना पड़ेगा। तो ये हमारी फर्स्ट टाइम जो है वो
दारिस्तानियाँ चल रही हैं। क्यों सर, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, सही है। पाकिस्तानी को बात के लिए बचा लिया बात के लिए मैंने बचा लिया है भाई, पाकिस्तानी गाँव में हम सही है। सर अब खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बात। नाजरीन ये जरा व्यू दिखाएंगे नाजरीन को, दिखा दिखा तो करीब देखें। हाँ दिख रही भाई, दिख रही है, क्या बात है। कमेंट करके जरूर बताना कि सर सरकार के लिए स्पेशल कमेंट करना, सही है सर, अपनी तरफ भी करें ना सर, कैमरा ऐसे करेंगे आप सरकार के लिए कमेंट करना, क्योंकि इसमें काफ़ी याद सरकार के कुछ काट पीट सरकार ने भी किए, ठीक है, तो जरूर कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसे लगी। नाजरीन आपके सामने देखें, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा हूं। कैमरा बाद में, कैमरा आप तो बस वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है, दही ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे भाई। हम ये नहीं बता सकते ये इस टाइम कितनी दही है, ये हमारा मसाले का चैनल नहीं है, ठीक है, हम इसमें ये नहीं बता सकते कितनी दही है इसके अंदर, तो मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं यार। तो सर आपने ये भी नहीं बताया कि कितने टीस्पून क्या डालेंगे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये मत पूछना, मतलब कम सम तो ये सर दही ऐड कर रहे हैं। पूरी क्रीम जाएगी इसमें, पर कुछ ये मिर्चें मैंने कट करी हैं साफ से, ठीक है, इसमें सिर्फ लगाया लगा इसको मैंने, और इसको कितने में डांस पे रखेंगे? ज़्यादा गोश्त क्योंकि हमारे पास हुआ वैसे ऑयल ऊपर लेके आने हमने, तो आई थिंक 5 मिनट चलेंगे। यो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे। हाँ तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है, वीडियो के साथ जुड़े रहें। जी तो इंतजार है भाई, हमारे जो सरफिदा हैं वो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, रिजल्ट ये वाइट कराई जो है वो क्या रंग लाती है रंग लाती है, इज्जत बचती है नहीं बचती है, अच्छी सड़ी होती है तो इतना सही टाइम लगता है। हाँ सही, क्योंकि इस वीडियो को हम लोग ने ज़्यादा कट नहीं किया, नहीं नहीं, और इतनी एडिटिंग नहीं होगी इस वीडियो में। अच्छा तो आज हम सरफिदा से, जब तक हमारे वाइट कढ़ाई बन रही है तो सरफिदा से कुछ एक्सपीरियंस हम उनके व्लॉगिंग का पूछते हैं कि सर आपने व्लॉगिंग जो है वो कैसे स्टार्ट की, ज़रा आप हमें बताएंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है व्लॉगिंग के बारे में। सर मैंने काफ़ी लोगों को व्लॉगिंग करते हुए देखा है, ऐसी बात नहीं, मेरा चैनल तो इतना है, पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था 2019 में, सही, काफ़ी फिर मैंने, ज़ाहिर है जब बंदा अगर आउट ऑफ कंट्री रोड में होता है तो वो काम करते हुए उसे टाइम नहीं मिलता, तो स्पेशल यूट्यूब के लिए टाइम चाहिए होता है, और जब मैंने देखा लोगों को यूट्यूब पे इतने सक्सेस पे जाते हुए माशाल्लाह इतना अच्छा कमाते हुए इतना सब कुछ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी YouTube पे जाऊँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा यार आप इतनी अच्छी स्पीच कर लेते हैं, बोल लेते हैं आप, असल में YouTube में क्या होता है, YouTube में ना हम लोगों को बोलना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी ना क्या होती है कम्युनिकेशन होती है हमारे कैमरे के साथ, सही, ठीक है, स्पेशली कैमरा पे। एक और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस जो व्लॉगिंग में आपको क्या मसले मसाइल दरपेश है? यार सबसे ज़्यादा सर प्रॉब्लम मुझे इसमें आई थी कि एक कैमरे ले के आप पब्लिक प्लेस में बोल नहीं सकते, क्योंकि कैमरा फैंक आपको ही नहीं होता, तो मुझे यही प्रॉब्लम होती थी, और वीडियो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि यार अगर वीडियो बना ली तो उसको एडिट कैसे करना है, और काफ़ी कॉपीराइट क्लेम आ जाते थे, पता नहीं चलता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये चीज़ें मेरे को सीखनी पड़ी, बस मुझे वीडियो व्लॉगिंग को लेकर इस चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, बाकी तो कंटेंट सोचने। और व्लॉगिंग करते हुए आपने मतलब कितनी जल्द आप इसमें आपने एक्सपर्टीज हासिल की? पहले मैंने ये कहा वीडियो एडिटिंग कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मुझे पता चले कि मैं किस तरीके से इसे वीडियो एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो या तो अगर आप करते हैं तो अगर काइन मास्टर से करते हैं, मैड विद काइन मास्टर लिखा पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
पहले मैंने कोशिश किया कि मैं अपने लिए सॉफ्टवेयर को बाय करूँ, खरीदूँ या फिर उसको पेपर रखा ले क्या, जैसे सर्वकार में मैंने लिख के उन्होंने काफ़ी मेहनत करके जो है वाटरमार्क जो मेयर बिट टाइम मास्टर वाटरमार्क था उसको रिमूव किया, क्योंकि अलहमदिल्ला मेरी फील्ड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और सर जो है वो सर भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह हमारे मायनास टीचर भी हैं, कंप्यूटर CIT को सर ने जो है बहुत अच्छे मायनों में पढ़ाया है, काफ़ी एक्सपर्ट टीचर हैं। और उसके अलावा सर ने दुबई में आई थिंक ओरेकल डेटाबेस पे भी काफ़ी एक्सपर्टीज है सर की, काफ़ी ओरेकल पे। और ये पार्ट टाइम जो सर ने वी लॉगिंग स्टार्ट की और मुझे भी आप इस तरह घेर रहे हैं और फर्स्ट वीडियो है मेरी सर के साथ मेरे साथ। और सर का भी चैनल है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी है, ठीक है आप जाएं कोड विद बकार, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे कोडिंग सीख जाएं, अगर डिज़ाइनिंग सीख जाएं, डेवलपमेंट सीख जाएं, फ्रंट एंड बैक एंड जैसे कि डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं, डेटाबेस वगैरह, यहाँ तक कि ओरेकल अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जाएँ। और अगर आप इंटरटेन होना चाहते हैं मुख्तलिफ मतलब दुबई की भी सर ने काफ़ी व्लॉगिंग की है और आज माशाल्लाह फर्स्ट टाइम कुकिंग की भी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ये टाइम पास है भाई, ये सच में नहीं तो आप SF के व्लॉग्स पे जाके इंटरटेन हो सकते हैं और हम कोशिश ये करेंगे मैं और सर के मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बना के आप इंटरटेन भी करें और एजुकेशन के हवाले से खुद भी बकार पे आपको जो है वो एजुकेशन भी फ्राहम करें फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ने मुझे यहीं से फर्स्ट वाइट कढ़ाई से स्टार्ट किया है और कहते हैं कि स्टार्टअप अच्छा हो तो फिर आगे एंड भी अच्छे ही होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम सर के साथ गोल रोटियां बनाना सीखने के लिए बनती थी सर, पहले मैं तो सीख लूँ गोल रोटियां बनाना, मुझे उम्मीद है मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखें सर सरकार के जितने स्टूडेंट्स हैं ना सुन लें, ठीक है सरकार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को SF के व्लॉग्स को, ठीक है और मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर भी आगे सब्सक्राइब करवाएंगे, उम्मीद है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे तेल आ चुका है, ठीक है अगर इसमें ओ बाय गॉड नीचे लगनी नहीं चाहिए और आई थिंक ये हो गई है। तो सर ये जो है प्लेट में डाल रहे हैं वाइट कढ़ाई और फिर हम आपको दिखाते हैं वाइट कढ़ाई का फाइनल व्यू, ठीक है सर। सो गाइस बन चुकी है हमारी वाइट कढ़ाई, आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत हुई है और इस पे मेहनत की है हमारी वाइट कढ़ाई बन चुकी है। और जैसे कि हमने वीडियो में एक बात करी थी कि सरप्राइज है इसके अंदर और वो क्या है सरप्राइज वो मैं बताऊंगा कि आज है 13th of August, ठीक है आज मेरी मम्मा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, आज सर फिदा के पेरेंट्स की जो है वेडिंग एनिवर्सरी है जिसमें सर फिदा ने जो है उनको सरप्राइज स्पेशली सरप्राइज मेरी मम्मा के लिए है, मेरी मॉम के लिए, और दुआ करें मेरे पापा के लिए, उनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो सर कैसा लगा आज का? बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं भी इसीलिए सर के साथ इसकी खुशी में जो है वो शरीक हुआ, बहुत सर की मामा को एक जो है हम सरप्राइज एक सरप्राइज दिया, बड़ी मुश्किल से तैयार किया पूरा भीगा हुआ मैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ओपन करके हमारी आने वाली मज़ेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।